नमस्कार। यूरोप की तरफ बनाना है बिहार तो लंदन में पड़े इस लड़की को सीएम बनाए। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही हैं कि अगर बिहार की जनता उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाती है तो वो बिहार को यूरोप की तरह विकसित कर सकती है। रुकिए, जरा ठहरिए, हंसने और मजाक मत उड़ाइए। उसके पहले पुष्पम प्रिया चौधरी की प्रोफाइल को पहले जान लीजिए, फिर आप उनके बारे में खुद सोचने पर विवश हो जाएंगे। कौन है पुष्पम प्रिया चौधरी, जो इन दिनों बिहार की राजनीति और मीडिया की सुर्खियों में है? वैसे तो पुष्पम प्रिया चौधरी खुद को बिहार की अगली मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के अखबारों में विज्ञापन देकर खुद को अगले सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। मीडिया ने भी पुष्पम प्रिया चौधरी का नया नामकरण कर दिया है, मिस्ट्री गर्ल। पिछले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पुष्पम ने एक नए राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम है प्लूरल्स। पुष्पम खुद इस प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पुष्पम का कहना है कि बिहार उनका पहला प्यार है, बिहार और बिहार के लोगों को लेकर उन्हें काफी दर्द है। बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है और वो बिहार को इस अंधेरे और गुमनामी से बाहर निकालने के लिए काम करना चाहती है। इतना ही नहीं, पुष्पम प्रिया चौधरी नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार पर भी लगातार हमलावर है और 15 साल के उनके सुशासन को वो कथित सुशासन कह रही हैं। ये तो रहा मिस्ट्री गर्ल पुष्पम का विजन। अब जान लीजिए पुष्पम के क्वालिफिकेशन के बारे में। पुष्पम ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है। इसके बाद ब्रिटेन में ही उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में भी एमए कर रखा है। पुष्पम का एक बड़ा परिचय यह भी है कि वो बिहार के दरभंगा की रहने वाली हैं। उनके पिता विनोद चौधरी जेडीयू के एमएलसी रह चुके हैं और अभी भी जेडीयू के नेता हैं। पुष्पम के दादाजी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी दोस्तों में से एक थे। पुष्पम के पिताजी का पूरा सहयोग अपनी बेटी के साथ है। पुष्पम के पिताजी पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी का कहना है कि उनकी बेटी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, उसने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा। मैं तो फिलहाल जदयू और नीतीश कुमार के साथ हूं और दरभंगा एमएलसी चुनाव में व्यस्त हूं। पुष्पम की पार्टी प्लूरल का नारा है जनगण सबका शासन। पुष्पम का कहना है कि बिहार में बिहार के लोगों का शासन होगा। बिहार के वर्तमान नेता अक्षम और अयोग्य हैं। मैं उन सभी अक्षम नेताओं को चुनौती दे रही हूं। मैं इस जंग को जीत कर रहूंगी और आपके साथ इसे ऐतिहासिक बना सकती हूं। पुष्पम कहती हैं कि बिहार का गौरव वापस लेने के लिए और सकारात्मक राजनीति के लिए मेरे साथ जुड़े। पुष्पम और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह से उच्च शिक्षित लोगों का बिहार की राजनीति में कदम बढ़ाना सकारात्मक ही माना जाएगा, क्योंकि बिहार को भी अब पिछले 30 सालों से चली आ रही परंपरागत राजनीति से इतर एक नई तरह की राजनीति की जरूरत है। धन्यवाद।